जी किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए किस तरीके से ये अलग होगा, ये जो कल्चरल ड्यूटी पेजेंट है बाकी जो ड्यूटी पेजेंट्स होते हैं उनसे किस तरीके से अलग होगा। जी सबसे पहली बात तो ये इतिहास में पहली बार, ब्यूटी पेजेंट के इतिहास में पहली बार पूरे 29 स्टेट्स एक साथ आ रहे हैं अपने ट्रेडिशनल अटायर के साथ जो रैंप पे खुद को प्रस्तुत करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटी पेजेंट, राइट। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ब्यूटी पेजेंट्स ऑल द 29 स्टेट्स आर गोइंग टू रिप्रेजेंट देयर ओन ट्रेडिशनल अटायर ऑन द रैंप। फर्दर ऑल द फोर जोन्स विल कनेक्ट एंड दे विल फर्दर कम्पीट फॉर द नेशनल लेवल्स टू टेक द फर्स्ट मिस्टर एंड मिस इनक्रेडिबल इंडिया। अतुल्य भारत प्रोडक्शन ने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है क्योंकि वेस्टर्न सभ्यता, हमारी सभ्यता जो है खुद की, वो जाती जा रही है एक लाइमलाइट में। सबको वेस्टर्नाइज्ड होना है, मॉडर्न होना है, अपने कल्चर, रीति रिवाज, अपने पहनावे को भूलते जा रहे हैं। अतुल्य भारत प्रोडक्शंस वेस्टर्न थीम के अगेंस्ट नहीं है, वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट नहीं है। अतुल्य भारत प्रोडक्शंस बस अपने खुद के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये इनिशिएटिव ले रहा है। आपने बताया कि ये चार जोन्स में होगा, तो चार जोन्स कौन सी होंगी जिसमें इसकी डिवाइड किया गया है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ जोन। पहले 29 स्टेट्स आपस में कम्पीट करेंगे टू गेट द फर्स्ट स्टेट विनर एंड देन ऑल द फोर जोन्स विल कम्पीट टू गेट द फर्दर विनर्स एंड देन फिनाले एंड ग्रैंड फिनाले। इसके ऑडिशंस कब से होंगे? अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड वी आर ग्लैड कि हमारे यंग जनरेशन इतनी जागरूक है जो रजिस्ट्रेशन कर रही है इस कल्चरल ब्यूटी पेजेंट के लिए। आई फर्दर रिक्वेस्ट टू रजिस्टर ऑनलाइन और हम इसके ऑडिशन विद इन अ मंथ शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।